वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ कर रही हूँ एसएससी सीजीएल टियर 3 2017 के लिए पेपर कोड 1401। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस पेपर के टॉपर्स कौन हैं। तो टॉपर है हमारे मूसा इकबाल, और मूसा इकबाल जो है पंजाब से ये हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखकर भेजा है हमें और इन्होंने स्कोर किए हैं 74.5 मार्क्स। ओके, सेकेंड पोजिशन और थर्ड पोजिशन पर जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों हैदराबाद से हैं, सूर्य उज्ज्वल, इन्होंने 74 मार्क्स स्कोर किए हैं, केवल 0.5% ये पीछे हैं टॉपर से। और थर्ड पोजीशन पर कौन है, थर्ड पोजीशन पर है शाहिम जावेद। ओके, शाहिम जावेद, ही इज आल्सो अ स्टूडेंट फ्रॉम हैदराबाद और इन्होंने स्कोर किया है 73। तीनों हमारे जो टॉपर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि मैंने इस वीडियो में कुछ हिंदी मीडियम के पेपर्स भी इंक्लूड किए हैं। तो हाउ मच है शाहिम स्कोर, लेट मी टेल यू द मार्क्स स्कोर्ड बाय शाहिम एज वेल, ही हैज गॉट 73 मार्क्स। सो दिस इज द पेपर ऑफ मूसा इकबाल, दिस इज हिज नेम clearly written, the roll number clearly written, paper code very clearly written, medium he has checked, okay, and ye smiling face unka aur ye golden star, thumbs up to you Musa, very well done, okay, and next time I want to see you in the live tests, ओके ये इनके मार्क्स हैं जो आए हैं 74.5। रेलेवेंसी के लिए हमने मैक्सिमम 10 मार्क्स रखे हैं, 50 मार्क्स का आपका ऐसे है, 50 मार्क्स का लेटर है। स्पेलिंग और ग्रामर, क्या आपके ग्रामर और स्पेलिंग के ऊपर अच्छी कमांड है? वेल, अब मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें एक्चुअली टफ कॉम्पिटिशन है। ओके, बहुत ही कम मार्क्स इधर उधर हो रहे हैं और कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनको हम ये कहेंगे कि दे आर ऑलमोस्ट परफेक्ट पेपर्स। ओके, कोई गलती नहीं है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि उन स्टूडेंट्स के पेपर्स आ रहे हैं जिन्होंने टीयर टू वगैरह सब कुछ क्लियर लिया है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में मैक्सिमम 5 मार्क्स, वर्ड लिमिट में 5 मार्क्स, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है 8 मार्क्स, फॉर्मेट 5 मार्क्स। मैं बार बार आपसे कहती रही हूं कि ऐसे में 250 वर्ड्स का अगर ऐसे है तो आप 5 पैराग्राफ्स बनाइए, 1 इंट्रोडक्टरी, 1 कंक्लूडिंग एंड 3 फॉर द बॉडी। ओके, और अगर मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ 3 बॉक्सेस स्टार्ट छोड़ के स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड पैराग्राफ भी 3 बॉक्सेस स्टार्ट करके छोड़ के स्टार्ट हो, फिर थर्ड भी, फोर्थ भी, इस तरह से नीटली एक अच्छा सा पेपर प्रेजेंट कीजिए। आपकी लिखावट कैसी है उसके लिए मैक्सिमम 5 मार्क्स, इफेक्टिव सेंटेंसेस के लिए 7, और क्या आप अच्छे से ब्लेंड कर पाए उसके लिए मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं। ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन द एसे और इनको मिले हैं 39.5। सिमिलरली लेटर के लिए, हालांकि लेटर में ये हाईएस्ट स्कोरर नहीं है, इनको लेटर में रेलेवेंसी के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं, स्पेलिंग ग्रामर के लिए 4, वर्ड लिमिट के लिए 4, कंटेंट की क्वालिटी के लिए 8, फॉर्मेट के लिए 8, राइटिंग नीट एंड क्लीन के लिए 4, इफेक्टिव सेंटेंसेस के लिए 6, एंड फाइनली कोहेसिवनेस के लिए 6। सो हियर इज द पेपर एंड लेट मी रीड द टॉपिक फॉर यू। द टॉपिक गिवन वॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, दिस वॉज द टॉपिक विच वी हैड गिवन। ही राइट्स, which ability of humans has helped them, which ability of humans has helped them control the planet Earth? Is it their strength, speed or any other physical feature? No, it is their intelligence which made them superior to other creatures. Now humans want to inculcate this intelligence into machines. Okay, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे students जो हैं, almost 80% of the students जो हैं, उन्होंने define किया कि artificial intelligence क्या है। ओके, देखो हर चीज की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं होती। आपको ग्लोबल वार्मिंग पे देते हैं, आप समझाने लगते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आपको रोड सेफ्टी पे देते हैं, आप रोड सेफ्टी समझाने लगते हैं। आपको स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ देते हैं तो आप वो समझाने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने डिफरेंट वे से स्टार्ट किया कि वो क्या चीज है जिससे कि इंसान जो है वो अर्थ को रूल कर पाया, वो उसकी इंटेलिजेंस है, और वही इंटेलिजेंस अब हम मशीन्स को दे रहे हैं। सो वेरी नाइस वे ऑफ बिगनिंग। देन ही सेज Artificial intelligence helps machines or systems to understand emotions and take decisions with minimal or without human interference. This has provided us unlimited opportunities and some challenges also. Applications of artificial intelligence are vast because very clearly what is the topic? Topic is opportunities and challenges. आपको ये दोनों aspect cover करने हैं, okay? It ranges from Siri in mobile to heavy warfare and space exploration. Simpler artificial intelligence example is when spam filter detects unwanted emails. Advanced AI examples are convolution neuron networks which detected cancer cells with more accuracy than doctors recently. AI was used in autonomous vehicles, Internet of Things, etc. Recently, radar robot is being used at airports by Vistara Airlines to help passengers. How
fast the field of AI is developing can be understood by the fact that Hong Kong-made AI robot Sophia has been given citizenship by Saudi Arabia. तो कहाँ कहाँ use हुआ वो सब इन्होंने बताया. Last month the Army, Navy and Air Force of India have decided to include AI into their system. But when known personalities like Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, etc. convey doubts about AI, one wonders what harm can AI do. Experts say AI can increase unemployment, start nuclear war, or make humans lazy. Elon Musk called AI an immortal dictator. As USA, China, Russia, etc. are adopting AI increasingly, India cannot afford to lag behind. Pandit Jawaharlal Nehru once said, future belongs to science and those who are friends with science. So, एक अच्छा सा positive sign उन्होंने conclusion किया. दूसरी countries में क्या हो रहा है वो भी उन्होंने बताया. Challenges क्या है वो सारा इस paragraph में cover up किया गया है. कहां कहां use हो रहा है, क्या क्या opportunities हैं, latest developments वगैरह क्या है, internet of things वगैरह, ये सब कुछ इन्होंने cover किया. Okay, so now let us go to for his marks. इनको कितने marks मिले हैं इनके essay में? 39.5. Was it relevant? Yes, very much relevant. 7 marks. Spelling and grammar in place 4 marks. Word limit 4.5. Okay, word limit इनका है 4.5, approximately around 250 words इन्होंने use किए हैं. उसके बाद next है हमारा content की quality अच्छी थी, 7 number. Format अलग-अलग paragraph थे 4 number. लिखावट ठीक थी 4 number. Effective sentences थे और cohesiveness था, तो total 39.5. Okay, and now I will take his letter for you. What was the topic for the letter? It said, you are Manju Chaudhary. You are clearly being told who you are. You are Manju Chaudhary, working as a teacher in ABC Government School, Sikar, Rajasthan. Write a letter to higher authorities about the poor quality of midday meals provided to students by the school. So this is the address here, ABC Government School, Sikar, Rajasthan. When you write the address, do not write any name in it. Okay, any part, so it's very clearly mentioned here, no name in the address. Then the date is here, July 16, 2018. Okay, ABC, Minister of Education, Rajasthan. Now ABC was the name of the government school, so ABC is the name of the school. Use some different alphabets, it has been mentioned here. Subject: about poor quality of midday meals at ABC Government School. Respected sir, ma'am, as a responsible government teacher, it is my duty to make you aware about the poor quality of midday meals provided to students in my school. The cereals and rice of cheap quality are being given to students. In government notice, it was written that only fortified rice is to be bought, but this instruction is not being followed. Also, no milk is provided to students, which is clearly against Annapurna Doodh Yojana of Rajasthan government. The cooking oil is often used repeatedly, which leads to unhygienic situation. All this has affected the health of students and their attendances falling. I sincerely hope your ministry will take a fast and strict action to improve the situation. Thanking you, yours faithfully, Manju Chaudhary. In his letter, he has not scored very high marks because of the mistakes he committed in the beginning. Relevant, yes, 6 marks. Spelling and grammar 3, word limit 3, content quality 6, format 6, writing neat and clean 3, effective sentences and cohesiveness 4 marks. So he gets a total 35, which takes his score to 74.5. and now let's move on to the next paper. Okay, so who's the next student? Let's see that. This is Surya Ujwal's paper, and on his paper you very clearly see the sign here, live test. This means once the paper was made public and available to the students, immediately within 1 hour they have written and submitted this paper. Okay, ye jo aap live test ka seal dekh rahe hain, iska matlab ye hai ki student ne jaise isko topic pata chala, bina kahin kuch bhi refer kiye fatafat isne paper ko attempt kiya hai. Theek hai, hum hamesha aapse ye kehte hain ki aapko jitna aata hai aap utna likhiye, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं देखना है. सो लाइव टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे टॉपिक पब्लिक हुआ, स्टूडेंट्स के पास पहुंचा, इसने तुरंत 1 घंटे के अंदर अटेम्प्ट किया है. जिस तरह से आप लाइव एग्जाम में करेंगे, रियल एग्जाम में होगा, और उसके बाद फिर फाइनली इन्होंने अपना पेपर सबमिट किया है. वेरी गुड सूर्या, वेल डन. ओके, दिस इज हिज रोल नंबर, पेपर कोड, एंड इज फ्रॉम हैदराबाद. अब मैं इनका पेपर पढ़ती हूँ. इनका पेपर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है. अब हम पढ़ते हैं इसको. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी विच कैन डिसाइड इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड सराउंडिंग्स इट इज पुट इन. दो स्टिल इन नेसेंट स्टेज, अ लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन इन इट. इन
this context, let us see the opportunities and challenges it offers. What is the beauty? See, the beauty is, फटाफट ये बताकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, टॉपिक क्या दिया गया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहां पर क्या दिया गया है, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, है ना, टॉपिक आपका ये है, आपको ये नहीं बताना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो उन्होंने बस उसका ब्रीफली डिफाइन करके फटाफट इस लाइन के माध्यम से, ओके, इन्होंने क्लियरली यहां देखिए लिखा है, लेट मी जस्ट रीड दैट लाइन फॉर यू वंस अगेन. ही सेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट अस सी द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इट ऑफर्स. तो फटाफट ये टू द पॉइंट आए, इनको रेलेवेंसी में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, 10 में से इनको 8 मार्क्स मिले हैं, ओके, और आपको एहसास होगा कि इनके पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है विच इज नॉट नीडेड. ओके, नाउ लेट्स सी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री विच कैन ऑफर थाउजेंड्स ऑफ जॉब. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेनी इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशियंसी. इट कैन ईजिली परफॉर्म ट्रिवियल जॉब्स लाइक अकाउंटिंग विद ग्रेट प्रिसिशन, दैट टू विदाउट टेकिंग एनी लीव्स. रोबोट्स एम्बेडेड विद AI कैन रेवोल्यूशनराइज ह्यूमन केयर इंडस्ट्री. दे कैन बी ऑफ ग्रेट असिस्टेंस टू एल्डरली एंड पीपल विद डिसबिलिटीज. दे कैन हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस एंड इन ऑपरेशंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिंग्स विद इट अ सेट ऑफ चैलेंजेस. कवर अप कर दिया कहां कहां अपॉर्चुनिटीज हैं, फटाफट अपने साथ ये चुनौतियां भी लेकर आता है. मेनी जॉब्स विल बी लॉस्ट एज मोस्ट अनस्किल्ड वर्कर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय AI. द सेकंड चैलेंज इज पीपल मे बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर मेंटेन वर्क. मेनी हैव प्रिडिक्टेड दैट दिस इन द लॉन्ग रन मे लीड टू AI मेकिंग डिसीजंस फॉर अस. Thirdly, regulating AI can be a challenge to government as it is difficult to decide up to what level AI can be allowed in any sector. In conclusion, artificial intelligence offers us both challenges as well as opportunities. If we can successfully overcome the challenges, artificial intelligence can be a boon to human kind. Ye kind hoga yahan par, okay? It can be a boon to human kind. Ab aap dekho, इनके पेपर में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने पेपर को ब्लेंड किया है, बहुत अच्छे से जो भी पूछा गया वो बताया है, सब कुछ जो रेलेवेंट है वो लिखा है. ओके, सो ही इज डन वेरी वेल एंड ही इज गॉट 37 मार्क्स इन हिज एसे. नाउ लेट मी रीड हिज लेटर फॉर यू. House number 21, Government Quarters, Sikar, Rajasthan, 10th of June 2018, the Commissioner, Rajasthan State Secondary Education Office, Jaipur. Okay, this is the format. Subject, poor quality of midday meals in a government school. Respected sir, I am Manju Chaudhary, a teacher in ABC Government School, Sikar, Rajasthan. The quality of midday meals provided in our school is pathetic. As per government orders, the contractor is providing meals with four items, namely curry, roti, dal, and eggs. The quality of curry provided is extremely bad and quantity very less. The dal is always diluted and rotis are so small that they can easily fit in a child's palm. Eggs provided are never enough for the whole school. Due to such quality of food, many students are dropping out. Though I had complained to the contractor many times before, there was no proper response. So I kindly request you to take a look into this matter and solve it as soon as possible. Thanking you, yours faithfully, Manju Chaudhary. Okay, so this is his letter, and in his letter also he's got 37 marks, and in his essay also he's got 37 marks. This is Shamim Javed's paper. Okay, this is Shamim Javed's paper, and Shamim Javed has also taken a live test. All those students who want to experience the real situation, what is going to be that day, they should go in for this live test. Once the topic has been made public, within 1 hour you have to attempt it and you have to submit it to us. If you do that, we are going to put the stamp on your paper, live test. Okay. So well done. All those students who have the capability, they feel they're scoring well, they're scoring more than 70, go in for the live test. Okay. Now let me read his paper for you. He says, artificial intelligence has been the research hotspot among the scientific community for several years now. With the Saudi Arabia government announcing the first Android citizen of the world, Sophia, it seems that the age of robots is not very far. Will this futuristic society powered by artificial intelligence be a boon for mankind? Or as predicted in the several science fiction movies, it will be an end to our civilization. Artificial intelligence
intelligence is already playing a big role in our lives. Many social media platforms are powered by intelligent algorithms that learn from our digital activity and accordingly filters our news feed, prioritizes advertisements, etc. E-commerce platforms intelligently decide what we should be interested in buying even before we open their apps. In today's digital era, the widely available data has powered artificially intelligent software to an extent beyond our imagination. These can push the boundaries of human knowledge. These are set to revolutionize every industry, healthcare, education, and manufacturing. However, large-scale automation will also endanger the livelihood of millions who will lose their jobs. Uneven access to such technologies may widen the gap of development among nations. Security threats from cyber attacks or even intelligent machines will be ever present. It is true that artificial intelligence is the next big thing for mankind, while the opportunities it presents are innumerable. We need to clearly weigh these against the risks. Only then we can be assured that we are handling over a safe technology to our future generation. Okay, now this is his letter. He has got very good marks in his essay. He's got 38 marks in his essay. Okay, now let me read out his letter to you. ABC Government School, Sikar, Rajasthan, 10th June, Minister of Education, New Delhi. Very nice format. Let me give you a star here. Subject: to complain about the poor quality of midday meals. All of you who are watching this video, leave a line after the address, leave a line after the date, leave a line after the second address, leave a line after the subject. This gives a very neat look to the examiner, and the examiner doesn't have to search what he's looking for. Okay, so he'll immediately give you marks. Then he says, "Sir, with this letter I would like to bring your attention to the poor quality of midday meals served in our schools. We are a primary level school and around 300 children below the age of 14 years attend our school. These children are from marginal income households and midday meals are an essential requirement for them. However, the quality of food are not up to the hygiene standards." Here it's going to be "is not up to the hygiene standards it ought to be. Despite complaining to the officer in charge, there was no action taken. I therefore am writing to urge you to intervene and resolve the matter for the benefit of these children. Thanking you, yours sincerely, Manju Chaudhary." And that's the name of the teacher. अब ये एक हिंदी मीडियम का पेपर ले रही हूँ आपके लिए. ये है मोहित कुमार सिंगल. ओके, और मोहित कुमार जो है ये करौली राजस्थान से, रादर जयपुर से हमारे स्टूडेंट हैं. और मैं इनका पेपर आपके लिए पढ़ती हूँ. बहुत छोटी छोटी इनकी हैंडराइटिंग है, पढ़ने में हमें आंखें जरा बड़ी बड़ी करनी पड़ती हैं. कुछ एक स्टूडेंट्स बहुत ही छोटा लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटा, आई डोंट नो वाई. एक तो कोशिश करें कि आप बॉक्स के बीच में लिखें, क्योंकि SSC यही कहता है, राइट इन द मिडल ऑफ द बॉक्स. ऐसे लिखने में कोई गड़बड़ नहीं है, पर यस, मात्राएं वगैरह जो है वो बॉक्स से बाहर हो जाती हैं. प्रैक्टिस राइटिंग इन द मिडल ऑफ द बॉक्स. ओके, आधुनिक युग तकनीक का युग है तथा तकनीक के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस युग ने कृत्रिम बुद्धि की तकनीक में समावेशन किया है. कृत्रिम बुद्धि से अभिप्राय मशीनों में ऐसी तकनीक के विकास से है जिसमें मशीनों द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप सविवेक से कार्य किया जाता है. तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले पैराग्राफ में डिफाइन किया. इस तकनीक में तीन पद समाहित हैं, सीखना, तार्किकता, और उसके बाद है तथा पुनर्प्रश्न पूछना. फिर है इन्हीं के आधार पर मशीनें कृत्रिम बुद्धि के साथ स्वयं निर्णय लेती हैं. आज के परिपेक्ष में लगभग हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, यथा कृषि क्षेत्र में इसकी मदद से मौसम का पुनर्मान, फसल की पुनर्जांच, किसी आपदा की पुनर्जानकारी तथा बचाव के उपाय आदि. स्वास्थ्य क्षेत्र में मरीज का पूर्ण विश्लेषण कर उसके अनुरूप निर्णय लेना. भविष्य में हो सकने वाली बीमारियों का पुनर्मान आदि. शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे पर अलग ध्यान तथा उसके अनुरूप प्रत्येक बच्चे की कमियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करना आदि. हाल ही में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग मोबाइलों में देखा जा सकता है, जिसमें कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल कर फोन की गति बढ़ाई जा रही है.
इन अवसरों के विपरीत इससे कई चुनौतियां भी हैं तथा हमारी मशीनों पर निर्भरता के चलते मशीनों का भविष्य में मनुष्यों को गुलाम बनाने का खतरा, सविवेक के चलते आज्ञा मानने से इनकार करना, मशीनों को अपने अनुरूप चलना आदि। मनुष्य ने मशीनों को बनाया है अपनी सुविधाओं के लिए, जिससे उसके श्रम धन की बचत हो। अतः तकनीक की अंतिम चाबी अर्थात शक्तियां मनुष्य में निहित होनी चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियां होने पर मनुष्य उन्हें नियंत्रित कर सके। तो ये था इनका ऐसे, और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इनके लेटर पर। ABC सरकारी स्कूल सीकर राजस्थान, 11 जून 2018। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय सीकर राजस्थान। ओके, अब एड्रेस थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा, क्योंकि बीच में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय श्रीमान नहीं आना चाहिए था, सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी होना चाहिए था, महोदय ठीक से नहीं लिखा गया है। आगे लिखते हैं विषय, मिड डे मील योजना की खराब गुणवत्ता के संदर्भ में। बहुत अच्छे से इन्होंने विषय लिखा है, विषय के लिए एक स्टार दिया जाए। महोदय, मैं ABC स्कूल में शिक्षिका हूँ तथा आपका ध्यान छात्रों को दिए गए खराब गुणवत्ता के मिड डे मील की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। हाल ही में 30 बच्चों की खराब हुई तबीयत का कारण खराब सब्जियां तथा निम्न गुणवत्ता के चावल हैं, तथा यह बहुत चिंतनीय भी है। आज अच्छे स्वास्थ्य से ही अच्छे कल का सपना देखा जा सकता है, परंतु कुछ लोगों की कमी के चलते इस सपने पर ग्रहण लग रहा है। अच्छी गुणवत्ता का भोजन सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, अतः आशा है कि आप बच्चों के साथ हो रहे इस स्वास्थ्य खिलवाड़ के खिलाफ उचित एवं सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे बेहतर भविष्य निर्माण हो सके। ठीक है, तो और अंत में इन्होंने लिखा है प्रार्थी मंजू चौधरी, और देखो वर्ड लिखकर इस तरह से इन्होंने लिखे हैं 146। ये आपको मेन पेपर में उस दिन नहीं करना है, हम आपको लेकिन लिखने के लिए कहते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आप कितनी देर में कितने शब्द लिख पाते हैं। दिस इज गौरव कुमार पेपर, आई एम गोइंग टू टेक गौरव कुमार पेपर फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू रीड आउट हिज एसे फॉर यू। ही सेज हियर, फ्रॉम द प्राइमोरियल एरा टू द मॉडर्न टाइम्स mankind has come a long way. Okay, then he says the story of development and innovation started with making simple tools for hunting, and now it has reached spaceships, satellites and artificial intelligence is the dawn of the era of machines. In constant pursuit of excellence in innovation, scientists and engineers have made machines more intelligent with the help of microprocessors, coding and algorithm. Then he says, in every field, be it manufacturing, medical, transport or telecommunication, there is prevalence of machines and robots. The precision and accuracy of machines in manufacturing field is unparalleled. Surgeries are being done through coded robots. Driverless cars will soon be a common sight on roads in India. Test run of driverless metro has already been conducted. The concept of smart home, smart cities and artificial intelligence are in total coherence. We recently saw the interview of humanoid robot Sophia and we must say we were awestruck. Artificial intelligence is a double-edged sword. See the blending line from here. Now we will move on to the challenges. Most of you are not writing these lines of transition. Make sure you write them. Besides its immense usage, it has some vices too. With more number of machines in work, people are fast losing their jobs. It has become difficult to harness the demographic dividend. This is incorrect, it should be dividend. Apart from this, there is always the risk that some antisocial scientists or terror outfits with malafide intentions might program the robots to harm the society. There is also the risk of machines going out of our control, and in worst scenario, they might try to control their own creators. We must not let them become modern Bahima Sur. We should use artificial intelligence very cautiously. Fire can be used to cook food, but when uncontrolled, it can burn our
house. Similarly, it's the case with artificial intelligence. It has given mankind great power, but with great power comes great responsibility. His essay is also very well written, and in fact he could have been among one of the toppers had he not exceeded the word limit, and he has exceeded the word limit, so he lost marks there. Okay, now let's move on to the next one. This is Shivam Singh from Lucknow. Okay, Shivam Singh from Lucknow, Uttar Pradesh. He's our student, and now I'm going to read out his paper to you. Okay, Shivam Singh from Lucknow, and I'm going to read parts of his essay. He says, their ability to perform the tasks such as reasoning, learning, planning and problem solving has helped the field of robotics to explore new grounds. Recent developments have shown that even the fictional character shown in the Hollywood movie The Terminator can also become a reality. We can already see its effects, whether it is Siri or self-driving cars, face recognition system or finger scanner. But the goal of researchers is to create a system that could outperform humans at whatever its specific task is. It could also have the ability to redesign or upgrade itself, and that's where the human intellect could be left behind. Many modern tech giants and scientists have recently expressed their concern about the risks posed by AI, and there is a reason behind it too. Humans for centuries have ruled this planet, not because of their strength or speed, but because we are the smartest, and that has been challenged by AI. AI could have a prominent place in our lives, but only if it is in control. The technology that has produced some goods has also created some modes of destruction, but the future of AI would still be very bright, even if we can manage it or not. This is Nupur Pathy's paper. She's a student from West Bengal, and a part of her paper is being taken for you, where I'm going to talk about the challenges related to artificial intelligence. She says, but technology is a useful servant, but a dangerous master. It's feared that artificial intelligence will eat out numbers of employments, especially in the manual sector. Those who primarily rely on their manual labor will be worst sufferers. Even employees of the corporate sectors too are vulnerable to AI, which will replace them in their repetitive tasks. Moreover, if AI is used and handled by wrong hands, it can cause a serious threat to humanity. Terrorist organizations can abuse AI in mass destruction of human lives. However, every invention is followed by two opposite sides. Therefore, considering only its negative aspects, inventions should not be stopped. Now, here are the suggestions. Rather, stringent rules against AI use of area and restrictions on the part of users, a general consensus among the nations regarding the same, and a strict vigilance by its inventors and respective authorities can channelize its benefit to the right direction. Okay. अंत में मैं आपके लिए ले रही हूँ विशाल कुमार का पेपर, बेगूसराय बिहार से ये हमारे स्टूडेंट हैं. इनका लेटर पढ़ रही हूँ आपके लिए. मिड डे भोजन की खराब गुणवत्ता की शिकायत. ओके, उसके बारे में है ये. अबसनगर सीकर राजस्थान, दिनांक इतना. ओके, फिर सेवा में मुख्य सचिव जयपुर राजस्थान, विषय मध्यान्ह भोजन संबंधी, ये इन्होंने दिया है महाशय. सविनय निवेदन है कि मैं ABC माध्यमिक स्कूल में शिक्षिका हूँ. इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान मध्यान्ह भोजन योजना की विसंगतियों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ. सर्वविदित है कि मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो. परंतु जिस निम्न गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है, उस पर गौर करने की आवश्यकता है. भोजन का कभी जला होना, कभी अधपका, कभी भोजन में कीड़े की शिकायत आम है. भोजन संबंधी मैनुअल का पालन भी नहीं होता है. एक शोध के अनुसार भारत के आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं. अतः हमें कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिजों से युक्त गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए। उम्मीद है आप इन तथ्यों पर गौर कर त्वरित कार्रवाई करेंगे। भवदीय मंजू चौधरी, ठीक है। इनका लेटर अच्छा था तो इनका लेटर मैंने आपके लिए इंक्लूड किया। और ये हमारा लास्ट पार्ट था, लास्ट लेटर जो मुझे इंक्लूड करना था इस वीडियो में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइव टेस्ट लेते हुए देखूंगी। अगर आप लाइव टेस्ट करेंगे, मेरा आपको पूरा आश्वासन है कि आप रियल एग्जाम में बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।